तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं सारा खालिद, ये शेफ़ हैं, फूड ब्लॉगर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ज़्यादा इनका फूड से रिलेटेड मामलात में एक्सपीरियंस है। मैं मामलात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ एक्चुअली बीन वेरी ग्लोबलाइज्ड और सोशल मीडिया का इतना दौर है कि फूड ब्लॉगिंग हो जाए या फिर पिक्चर्स के ज़रिए फूड की टेस्टिंग की बात आ जाए, इंटीरियर की बात आ जाए, फूड को डेकोरेट करने की बात आ जाए, तो सारा हैज़ देयर एक्सपर्टीज़। इटालियन स्टाइल पाकिस्तानी मेड ओवन्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए। इसके अलावा इन्हें मास्टर क्लास एज कलरी कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट अवार्ड भी दिया गया, फूड क्यूरेटर भी हैं। मज़ीद क्या कुछ करती हैं इन्हें हम जानते हैं। वेलकम टू द शो सारा। सो बैकग्राउंड तो आपका डिफरेंट है स्टडीज़ का एंड यू आर रिलेटेड टू द फूड। वाई रिलेटेड टू द फूड? थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर। आई थिंक पहली बात तो बड़े मज़े की है कि आई बिलोंग टू अ कश्मीरी बैकग्राउंड, सो कश्मीरियों में तो खाने का यू नो इट्स द लव लैंग्वेज इन योर हाउस इज फूड। सो फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज माई मदर वॉज इन टू दिस, शी वॉज सेल्फ टॉट, हर चीज़ को खुद ट्राई करती थी। इवन यहाँ तक कि हमारे घर ब्रेड नहीं आती थी बेकरी से, वो कहती थी अनहाइजीनिक है तो वो खुद घर पर बनाती थी। सो वहाँ से आई थिंक आई पिक्ड अप, बिकॉज बच्चे माँ को देख के बहुत सीखते हैं, आई पिक्ड अप अ लॉट ऑन दैट। घर में वैसे ही यू नो कश्मीरी हाउस होल्ड अगेन इन्जॉय कर रहे हैं तो खान एवरी थिंग रिवॉल्व अराउंड द फूड। बिल्कुल। तो बस वहाँ से शौक बढ़ता गया बढ़ता गया। इवेंचुअली आई वेंट फ्रॉम माई बैचलर्स, वो मैंने खैर किया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, एंड देन आई वेंट फॉर माई एम बी ए इन मार्केटिंग। बट उसके बाद आई वॉज लाइक कि अब आई नीड टू सी कि मेरा पैशन कहाँ है और मैंने अब वही करना है, बिकॉज एक सॉलिड डिग्री चाहती थी वो हो गई एंड आई फील लाइक इट वर्क आउट रियली वेल फॉर मी कि एम बी ए इन मार्केटिंग जो है कंबाइनिंग इट विद द फूड एंड एवरी थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू, तो वो दैट रियली हेल्प मी बिल्ड माई ब्लॉग, दैट हेल्प मी मार्केट माई ओन सेल्फ माई ओन वर्क। तो बस इस तरह से चलता रहा। अच्छा मुझे ये बताइए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, बिकॉज आप एक्सपर्टीज़ अपनी देती हैं, एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, सो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, बिकॉज यू प्रॉबेबली हैव अ हार्ड वे और ऑब्वियसली टाइम लगा होगा नाम इस्टेब्लिश करते। टाइम तो बहुत लगा है, आई थिंक इट्स बिन एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स दैट आई बिन इन दिस फील्ड प्रोफेशनली, एंड टू बिल्ड अ नेम आई थिंक लास्ट 2, 3, 4 ईयर्स हैव रियली हेल्प थ्रू सोशल मीडिया। बट आई थिंक उससे पहले स्पेशली फॉर फीमेल्स दिस फील्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट्स वेरी लेबर इंटेंसिव, तो जबकि पाकिस्तानी ख़वातीन में आई फील लाइक इतना ज़्यादा टैलेंट है एंड स्पेशली हम लोग खाने को बहुत इम्पोर्टेंस भी दी जाती है हमारे घर में, बट आई फील लाइक इतना उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है टू गो आउट एंड एक्चुअली गो इन द मार्केट एंड डू समथिंग अबाउट इट। बट थैंक्स टू सोशल मीडिया नाउ आई फील लाइक इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, स्पेशली द लास्ट 2, 3 ईयर्स, बहुत लोग आए हैं जिन्होंने अपनी होम बेस्ड बिजनेसेस शुरू किए हैं, फूड रिलेटेड एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। सो सोशल मीडिया हैज़ रियली हेल्प्ड एवरीबडी आई फील लाइक। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए, सो अब तक आपने अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोला, बिकॉज इतना आप बाकी रेस्टोरेंट को रिव्यूज़ तो ऑब्वियसली देती होंगी, सो वाई नॉट योर ओन? बस प्लान कुछ था 2019 के एंड में, वी वर प्लानिंग टू ओपन अप अ लिटिल कैफे। बहुत ज़्यादा प्लानिंग शानिंग हमने कर ली एंड सून आफ्टर ऑगस्ट 2020 में आई वॉज होपिंग टू ओपन इट अप एंड कोविड हैपेंड and things became so unpredictable ke phir humne socha ki zara step back kiya jaye aur you know just wait and watch and see. Abhi to I'm teaching also, I'm doing the platters, grazing tables hain, I work with different restaurants and you know every food and beverage industry ke, whether it's equipment based, whether it's ingredient based, Dubai mein, Pakistan mein, there's so much on my plate right now ki mujhe lagta hai ki I really need to इस पे फोकस पूरा करके, वंस आई फील लाइक आई एम डन विद दिस, मे बी जो अल्लाह को मंजूर हुआ सम टाइम। अच्छा बेसिकली दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आल्सो, सो कितना यूथ में आप इस हवाले से अवेयरनेस, या बिकॉज ज़रूरी नहीं है रवायती जॉब्स भी ली जाए, इसके अंदर भी हो सकती हैं, कितना देखती हैं? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था कि आप जाएँ और अपना बैचलर्स ना करें और आप कलिनरी में चले जाएं या आप यू नो फैशन डिज़ाइनिंग में। व्हेन आई वांटेड टू गो तो माय ब्रदर सेड कि तुमने क्या पढ़ा लिखा दर्जी बन, सो लिटरली उसी तरह मुझे कहते थे कि अच्छा पढ़ा लिखा शेफ बनना है, यू नो। सो ये चीज़ें व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इस तरह से नहीं थी,
बट अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है. आई स्टिल फील कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो भी हम ला सकते हैं पाकिस्तान में, यू नो, ट्रेडिशनल जॉब से. लेकिन बच्चे फिर भी थोड़ा सा मूव करके दे आर गोइंग टुवर्ड्स मोर एंटरप्रेन्योरियल जॉब्स, एंड आई थिंक कोविड का भी उसमें बड़ा रोल है इन अ पॉजिटिव वे. सो फूड ब्लॉगिंग के ज़रिए कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं सोशल मीडिया पर? बिकॉज अक्सर लोग ये समझते हैं जी ये तो पेड है, इनको पेड किया है. अच्छा, समटाइम्स आई गेट अ मैसेज, जिस तरह मैंने कोई रिव्यू डालती हूँ ना तो मुझे मैसेज आता है, इज दिस, हाउ इज़ इट इन रियल? तो मैं हमेशा आगे से कहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन रियल? ऑब्वियसली मैंने जो लिखा है तो दैट इज़ हाउ आई फील, बट आई फील हर एक का अपना एक स्टाइल होता है. सम पीपल यू नो मे बी डू इट एज यू नो पीपल फील कि अच्छा ये यार ये पेड है तो ये तारीफ ही करेंगे. आई ट्राई कि मैंने ओवर टाइम अपनी ऑडियंस इतनी मुश्किल से बिल्ड की है और आई हैव बीन यू नो ट्राइंग टू स्टे एज ऑनेस्ट टू देम एज पॉसिबल. सो मुझे लगता है कि जिस तरह मेरी ऑडियंस मेरे साथ बड़ी लॉयल है, सो इफ़ दे आर शोइंग मी देयर लॉयल्टी, अपना टाइम देते हैं, फॉलो करते हैं, आपको इंटरेस्ट से हर चीज़ आपकी देखते हैं, तो इट फील्स लाइक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि मैं उनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ों के रिव्यूज़ दूँ और बताऊँ कि यार हाँ ये एक्चुअली ये चीज़ अच्छी है या इसमें फॉल्ट है. सो आई मीन आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, बट आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स नाउ जो कि बहुत एक्चुअली मेहनत करते हैं. सो व्हाट वाज दैट इटालियन स्टाइल पाकिस्तानी मेड ओवन्स जो आप एक्सपोर्ट करती हैं? सो ये बड़ी एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट है. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ कंपनी नेम्ड कोवा, एंड यूजली वेन वी इम्पोर्ट पिज्ज़ा ओवन्स, जो इटालियन पिज्ज़ा ओवन्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड पाकिस्तान में हमारे पास स्किल है उन चीज़ों को बनाने की. सो वॉट वी डिड वॉज आई जॉइंड दिस कंपनी एज द हेड ऑफ R&D, और हमने इन प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द स्क्रैच डिवेलप किया. वी स्टार्टेड मेकिंग, द फर्स्ट थिंग वी मेड वॉज अ पिज्ज़ा ओवन जो कि एक वुड फायर्ड ओवन था. देन उसमें इनोवेशन आई कि देन गैस एंड वुड फायर्ड ओवन दोनों आए. देन वी इंट्रोड्यूस द ब्रिक ओवन जो इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है. Now we are doing the meat smokers and food trucks, और चीज़ें अब हमारी बढ़ती जा रही हैं, and I feel very very proud of this because this is something that is made in Pakistan and we are exporting it to Germany, to Dubai, USA and inshallah in the future many other countries, let's see. अच्छा, so Dubai में भी आप काम करती हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी food को promote करती हैं? वहाँ पर I work with different restaurants to curate menus, recipes. जिस तरह अगर रमज़ान आ रहा है, सो इफ़ अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट हायर्स मी टू क्यूरेट देयर रेसिपीज़ और स्पेशल इफ्तार मेन्यू, तो हम उस पर काम करते हैं. समटाइम्स आई वर्क विद देम इक्विपमेंट को, जिस तरह अगर लेट्स से वंस आई वाज हायर्ड टू एक्सप्लेन टू द पीपल के जो हम कोल्ड प्रेस जूसेस पीते हैं उनमें क्या डिफरेंस है कंपेयर टू नॉर्मल जूसेस, एंड उसकी इक्विपमेंट को एक्सप्लेन करना, हाउ टू यूज़ इट, व्हाई इज़ इट गुड, हाउ इट इज़ गुड. सो ऑल ऑफ दैट, कभी रेसिपीज़, कभी क्लासेस, कभी ट्यूटोरियल्स. सो इट्स अ मिक्स्ड जॉब बट इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जॉब आई'ड से. सो करना क्या चाहती हैं आगे, क्या माइंड में है फूड के हवाले से? बस आई थिंक कि इसी पे फोकस रख के आई वॉन्ट टू टीच एज मैनी पीपल एज आई कैन, बिकॉज वन आई वॉज लर्निंग आई रियलाइज कि यहाँ पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी ऑफ रिसोर्स ऑफ लर्निंग. तो मैंने बहुत कुछ जो है वो यूट्यूब से खुद सीखा, या जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी तो इधर से कोई 2 दिन का कोर्स पकड़ लिया, कोई 6 दिन का कोर्स पकड़ लिया, कोई 3 घंटे का कोर्स पकड़ लिया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो आई फील लाइक इंशाल्लाह आई वॉन्ट टू बी एबल टू बी समवन हु कैन इम्पार्ट दिस नॉलेज जो जो लोग सीखना चाहते हैं, जो इसमें आगे कुछ करना चाहते हैं. सो लेट्स सी, आई अल्लाह ताला नोज़ बेटर कि आप एंड में पहुँचते किधर हो, बट विजन तो कुछ इस तरह का है. सो टीच क्या करती हैं बच्चों को, पढ़ाती क्या? सो टीच करती हूँ मैं कलनरी की सारी चीज़ें. सो इफ़ अ रेस्टोरेंट कम्स और समबडी हु वांट्स टू ओपन अप अ कैफ़े, अगर वो एक स्पेसिफिक नीड के साथ आएँ तो उनके लिए आई मेक पर्सनलाइज क्लासेस एंड वी गो ओवर द इंटायर थिंग, फ्रॉम सेटिंग अप द मेन्यू टू द इंटायर रेस्टोरेंट वी डू दैट. अदरवाइज हमारी ग्रुप क्लासेज होती हैं जिसमें आई टीच दम डिफरेंट मेन्यूज़. अच्छा, ब्रांच मेन्यूज़ हैं, आज हम इटालियन करेंगे, कभी हम थाई कर रहे हैं, कभी हम देसी स्ट्रीट फूड कर रहे हैं. सो बट ये होता है कि दिस ओनली आई डू व्हेन आई गेट सम टाइम ऑफ,
तो बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग द प्लेटर्स एंड दुबई पाकिस्तान के बीच में आना जाना ऑल ऑफ दैट एंड विद द फैमिली एंड किड्स, तो जब टाइम मिलता है देन आई फोकस ऑन द क्लासेस ऑल्सो. सो ऐसा होता है कि फैमिली वाले भी फिर आपको स्पेशली फरमाइश करें आज ये बनाते हैं या ये प्लेटर बनाते हैं ये डिज़ाइन स्पेशली बच्चे? आई थिंक बच्चों के लिए तो डेली बेसिस पे होता है बिकॉज दे नो कि माँ बना सकती हैं. सो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली इट हैपेंस अ लॉट. उनका लंच बॉक्स इज द रियल हार्ड टास्क. रियल हार्ड टास्क, जो आधा खाया हुआ ही वापस आता है, कभी भी पूरा नहीं खाया होता. बट ये है कि दे नो कि यस दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट फॉर लंच मामा, डिनर में ये खिलाएं. माई हस्बैंड इतने ज़्यादा वो फरमाइश नहीं करते, ही इज़ हैप्पी विद जो भी बनाओ. बट माई किड्स स्पेशली, उनको दे आर पिकी ईटर्स और बड़ा अपनी फरमाइशें दे के बताते हैं, पूरा मेन्यू वही डिसाइड कर रहे होते हैं. बहुत शुक्रिया आपका सारा. इंडीड प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक. बहुत अच्छा लगता है मुख्तलिफ डोमेन्स में काम करने वाली ऐसी खातिन जो इंस्पिरेशनल काम कर रही हूँ, बिकॉज फूड इट सेल्फ इज़ एन इंडस्ट्री और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है.